लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। इस बीच बीकानेर के अभय कमांड सेंटर पहुंचकर बीकानेर के एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने लिया जायजा, साथ ही बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश से की खास बातचीत। बीकानेर के अभय कमांड सेंटर में जहां पर बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश है, वो पूरे बीकानेर संभाग का एक तरह से बीकानेर घूमने के बाद में बीकानेर संभाग का यहाँ पर मॉनिटरिंग करने आए हुए। बात करते हैं सर, क्या कहें, लोग अच्छी संख्या में लोग मतदान के लिए आ रहे हैं और जैसा कि आपको विदित है कि जिला पुलिस कार्यालय ने भी नवाचार किया है और सारे जो सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको ऑनलाइन किया है और उसी ढंग से उसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, हमारे सुपरवाइजरी अधिकारी भी तैनात है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांतिपूर्ण मतदान शाम तक होगा और अच्छी संख्या में लोग मतदान कर पाएंगे। बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर दो लोकसभा क्षेत्र हैं, दोनों लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें पुलिसिंग की व्यवस्था किस तरह से है और अभी तक किसी तरह की क्रिटिकल बूथ में वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स कहीं कोई नजर आई? पूरे संभाग में 5 जगह पे लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था जिसमें समझाइश के बाद समीजा कोठी इलाके में 2 जगह पे मतदान पुनः शुरू हो गया है। इसके साथ ही बीकानेर में भी 2 जगह मतदान शुरू हो गया है और 1 जगह पुगल में जो हमारे मतदान करने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे प्रशासन और पुलिस वार्ता कर रही है, मुझे विश्वास है कि वो भी मतदान करने आएंगे। इसके अलावा कहीं भी हिंसा की कोई भी घटना नहीं कारित हुई है और कोई भी ऐसा प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया है जहां पर किसी ने भय दिखा करके मतदान करने की कोशिश की हो। सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भारी संख्या में लोग आए और मतदान करें और टोल फ्री नंबर दिया हुआ है पुलिस का, किसी को भी कोई समस्या हो तो कभी भी पुलिस से संपर्क कर सकते। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लो नजर आ रहा है। सुबह काफी संख्या में लोग आए थे, चूंकि दोपहर है और दोपहर में गर्मी का भी मौसम है इस कारण से भी कोई समस्या हो सकती है, परंतु हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है और संध्या के समय में जब ये लोग आएंगे तो जो भी लोग 6 बजे तक मतदान करने के लिए आएंगे उनके लिए मतदान करने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। ये थे बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि 5 जगहों पर एक तरह से बहिष्कार किया गया, लगभग सभी जगह समझाइश करने के बाद बीकानेर संभाग में वोटिंग है जो लगभग शुरू हो चुकी है। कई छुटपुट जगह पर यह देखने में आया कि ईवीएम कई जगह खराब होता नजर आया, लेकिन फिर भी सभी व्यवस्थाएं सामान्य करते हुए वोटिंग प्रतिशत जरूर धीमा चल रहा है, लेकिन माना यह जा सकता है कि बीकानेर संभाग में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है।